उमरिया पुलिस ने इस बार करवा चौथ को लेकर एक नई पहल की शुरुआत की है, जिसमें पुलिस महिलाओं से कह रही है कि महिलाएं अपने पति से वचन लेंगी कि उनके पति हेलमेट और मास्क पहनकर ही घर से बाहर निकलेंगे। पुलिस की इस पहल की सराहना भी की जा रही है। पुलिस का यह नायाब तरीका सभी के दिलों को छू रहा है, जिसमें नगर के चौक चौराहों पर करवा चौथ के त्यौहार में महिलाएं अपने पति से वचन लेंगी कि वह हेलमेट और मास्क लगाकर ही घर से निकलें। जिला पुलिस की यह पहल जमकर सुर्खियां बटोर रही है। टीआई डॉक्टर ज्ञानेन्द्र सिंह ने हेलमेट और मास्क को लेकर अनूठी पहल की है, जिसको नगर के चौराहों पर बैनर पोस्टर के माध्यम से जागरूकता लाई जा रही है। उमरिया पुलिस का यह प्रयास निश्चित तौर पर सरकार के यातायात नियमों को लेकर आमजन में असरकारी सिद्ध होगा। ये देखिए, आप लोगों को विदित होगा कि ये जो आने वाले एक दो दिन में अपने भारतीय नारियों का सबसे प्रमुख, जो अपने पतियों के दीर्घायु होने का वरदान मांगती हैं उस दिन ईश्वर से निराजली व्रत रख के, तो उसी करवा चौथ के दिन मेरे मन में ऐसे विचार आया क्यों ना कुछ अलग हट के। इस समय जो कोरोना महामारी चल रही है, लोग बाइक से घूमते हैं बिना हेलमेट के, बहुत सारी दुर्घटनाएं होती हैं, तो इस बैनर के माध्यम से मैं अपने उमरिया जिला के जितनी माताएं हैं बहनें हैं उन सबसे भारतीय नारियों से निवेदन करना चाहता हूं कि जब भी उनके पति इस बार जब करवा चौथ का व्रत रहें तो उनसे पतियों से अपने वचन लें कि आप जब भी घर से निकलेंगे तो हेलमेट लगा के और मास्क लगा के घर से बाहर निकलेंगे। हमारे पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में यातायात पुलिस और कोतवाली के द्वारा लगातार जो है यातायात संबंधी नियमों के संबंध में लोगों को अवेयर जागरूक किया जाता है और समय समय पर विभिन्न जो वैधानिक कार्रवाई की जाती है। इसी तारतम्य में हमारे टीआई कोतवाली श्री ज्ञानेन्द्र सिंह ने एक अनोखी पहल आने वाले 4 तारीख को जो करवा चौथ का व्रत है उसमें की है। उसमें सभी महिलाओं से उन्होंने अपील की है और हम सभी उमरिया पुलिस की ओर से यह अपील है कि 4 तारीख को जो करवा चौथ का व्रत है उसमें अपने पतिदेव से मास्क पहनकर लगातार उपयोग करने और हेलमेट का प्रयोग करने का आग्रह करें। सर्वप्रथम तो मैं उमरिया पुलिस की इस पहल को, जिसमें कि हेलमेट लगाना और मास्क लगाना अनिवार्य कर दिया गया है, उसके लिए उन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई देना चाहूंगी। साथ में आने वाले करवा चौथ की भी सभी महिलाओं और बहनों को शुभकामनाएं देती हूँ। उमरिया पुलिस ने जो ये पहल की है जिसमें हेलमेट लगाना और मास्क लगाना जरूरी है, ये तो बहुत दिनों से चलता आ रहा है, लेकिन चूंकि करवा चौथ पास में है और हम अपने पतियों की लंबी उम्र के लिए कामना करते हैं इस व्रत को पूरा करके, तो हेलमेट लगाने से एक्सीडेंट कम होंगे, घटनाएं कम होंगी, जिससे हमारे पतियों की जो उम्र है वो लंबी होगी और साथ में जो हमारे रिश्तेदार भी हैं उनकी भी उम्र जो है वो लंबी होगी। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।